नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गुरु इन्फो। तो आज के वीडियो में मैं आपको चार ऐसे फोन बताने वाला हूँ जो कि अक्टूबर 2020 में आप खरीद सकते हो और जो सिर्फ आते हैं 12,000 के अंदर। तो बेस्ट में से बेस्ट फोन निकाला हूँ दोस्तों आपके लिए, तो वीडियो पूरा जरूर से देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपका बजट 12,000 है तो ये चार फोन में से आप एक फोन जरूर ले सकते हो। तो शॉर्ट में बताया हूं दोस्तों वीडियो में, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, काफी शॉर्ट वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि मुझे पता है वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो लोग बोर हो जाते हो। तो मेन हाईलाइट फीचर ही इन सभी फोन के आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे वीडियो। तो इस लिस्ट में पहला फोन जो आता है दोस्तों वो है रियलमी नार्जो 20। जी हाँ दोस्तों, दो वेरियंट इसके आपको देखने को मिल जाते हैं, एक है 464 और दूसरा आता है 4128। तो ये 10.5 से स्टार्ट होता है दोस्तों, 11,500 तक आपको इसका टॉप वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। डिजाइन की अगर बात करें दोस्तों तो ग्लॉसी डिजाइन इसमें आपको देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ में आपको नया कैमरा मॉड्यूल भी इनका देखने को मिल जाता है जो कि नए डिजाइन के साथ आता है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.5 इंचेस की आपको HD+ की डिस्प्ले यहाँ देखने को मिल जाती है विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ। फुल HD+ की डिस्प्ले होती तो और भी अच्छा होता दोस्तों, लेकिन प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले ठीक ठाक है। कैमरा की अगर बात करें तो बैक साइड से 3 कैमरा आपको देखने को मिल जाते हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड इसमें आपको देखने को मिल जाता है और वही 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस आपको यहां देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरे की अगर बात करें दोस्तों तो 8 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको देखने को मिल जाती है जिससे कि ठीक ठाक सेल्फी आपकी निकली जाती है। प्रोसेसर की अगर बात करें दोस्तों तो इस फोन में आता है मीडियाटेक का हीलियो G85 वाला प्रोसेसर जो कि ठीक ठाक प्रोसेसर है दोस्तों, डे टू डे टास्क आपके आराम से कर लेता है और इस प्राइसिंग रेंज में गेमिंग भी ये प्रोसेसर आपको करके देता है। और बैटरी की अगर बात करें दोस्तों तो इस फोन में 6000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब की काफी बड़ी बैटरी इसमें आती है और साथ ही साथ में 18W का फास्ट चार्जर आपको आउट ऑफ द बॉक्स इसमें देखने को मिल जाएगा। फोन है दोस्तों वो आता है इन्फिनिक्स नोट 7। जी हाँ दोस्तों, ये हाल ही में पिछले ही महीने इंडिया में लॉन्च हो गया था। तो इसके जो वेरिएंट है दोस्तों, एक वेरिएंट आपको देखने को मिलता है 4GB 64GB जिसकी प्राइस है 11,499 रुपए। तो लगभग 11,500 के अंदर ये फोन आता है और इसे इसलिए पिक किया है दोस्तों कि इसकी डिस्प्ले काफी बड़ी है और इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। डिजाइन की अगर बात करें तो इसमें भी ग्लॉसी डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है, राउंड शेप का कैमरा मॉड्यूल पीछे से मिल जाएगा और जिसमें 4 कैमरे आते हैं। फ्रंट की अगर बात करें दोस्तों तो पंच होल वाली डिस्प्ले यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके डिस्प्ले की तो 6.9 इंचेस की आपको HD+ की इसमें डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, मतलब कि दोस्तों 7 इंचेस का यह फोन है तो काफी बड़ी इसकी डिस्प्ले हो जाती है। आपको अगर मल्टीमीडिया देखना है तो ये डिस्प्ले आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है। बात करें इस फोन की कैमरे की तो 4 कैमरे यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं जिसमें कि 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल की माइक्रो, 2 मेगापिक्सल की डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का इनका AI सेंसर इन्होंने दिया है। फ्रंट कैमरे की अगर बात करें दोस्तों तो पंच होल के साथ फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा जो कि 16 मेगापिक्सल का है। तो ये प्राइस रेंज में फ्रंट कैमरा आपको काफी अच्छा इस फोन में देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो थोड़ा पुराना प्रोसेसर जरूर दोस्तों, लेकिन कारगर ये अभी भी है। जी हाँ दोस्तों, मीडियाटेक का हीलियो G70 का प्रोसेसर इसमें देखने को मिल जाता है जो कि गेमिंग काफी अच्छी कर लेता है। थोड़ा सा हीटिंग इश्यू इसमें जरूर आता है दोस्तों, लेकिन इतना ज्यादा भी ये हीट नहीं होता है। बैटरी की अगर बात करें तो 5000 mAh की बैटरी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ में 18W का फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाएगा। एक फीचर दोस्तों जो मुझे इसमें काफी अच्छा लगा है, इसमें DTS साउंड सराउंड का इफेक्ट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, DTS साउंड आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं जिसके कारण कि मैंने पहले भी कहा, मल्टीमीडिया आपको अगर देखना है बड़ी स्क्रीन पर तो ये फोन बेशक से आप ले सकते हो। तीसरा जो फोन है दोस्तों वो है Redmi Note 9। तो ये फोन भी काफी अच्छा है दोस्तों। डिजाइन की अगर बात करें तो पॉलीकार्बोनेट की डिजाइन आपको देखने को मिल जाती है जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ आती है। पीछे के साइड से 4 कैमरा आपको देखने को मिल जाते हैं और सामने से आपको पंच होल का डिजाइन देखने को मिल जाता है। अगर इस फोन की डिस्प्ले की तो इस फोन में आपको 6.53 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और एक खास बात दोस्तों कि इस फोन की डिस्प्ले जो है वो फुल HD+ है। अब तक हमने 2 फोन देखे दोस्तों, उसमें कोई भी फुल HD+ की डिस्प्ले नहीं थी, लेकिन इस फोन में आपको फुल HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो की काफी अच्छी बात है। और साथ ही साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ ये डिस्प्ले आपको आती है। कैमरे की अगर बात करें दोस्तों तो बैक साइड से आपको 4 कैमरा सेंसर इसमें भी देखने को मिल जाते हैं जो कि 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा।
फ्रंट सेल्फी की अगर बात करें दोस्तों, तो 13 मेगापिक्सल की सेल्फी यहाँ आपको देखने को मिलती है, मतलब कि कैमरा वाइज भी ये फोन काफी अच्छा है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है मीडियाटेक का हीलियो G85 वाला प्रोसेसर, तो गेमिंग ये प्रोसेसर काफी अच्छी करता है दोस्तों, और रोज के टास्क आपको आराम से ये करके देगा। बैटरी की अगर बात करें तो 5000 एमएच की बैटरी इसमें भी आपको देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ जो चार्जर आता है दोस्तों वो 18 वाट का आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो चौथा और आखिरी फोन जो है दोस्तों वो है पोको का M2। तो इस फोन के दो वेरिएंट आपको देखने को मिल जाते हैं, 6GB 64GB 6GB 128GB। अब 6GB 64GB आपको मिलता है 11,000 रुपए में, और जो 128 वाला वेरिएंट है दोस्तों वो लगभग आपको 12,500 तक देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की अगर बात करें दोस्तों, तो इस फोन में भी आपको 6.63 इंचेस की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो की आती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ। और इस फोन में दोस्तों जो कैमरा है उसको भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। कैमरे की अगर बात करें दोस्तों, तो इस फोन में आपको 4 कैमरा बैक साइड में देखने को मिल जाते हैं। जो मेन सेंसर है वो 13 मेगापिक्सल का आता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरे की अगर बात करें दोस्तों, तो 8 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की अगर बात करें दोस्तों, तो इस फोन में आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G80 प्रोसेसर, तो ये प्रोसेसर भी काफी अच्छा है दोस्तों। लगभग सभी मोबाइल के जो प्रोसेसर है दोस्तों वो काफी अच्छे है, क्योंकि मैंने प्रोसेसर देखकर ही मोबाइल सब सिलेक्ट किए, क्योंकि आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए। तो प्रोसेसर भी इसका ठीक ठाक है दोस्तों, गेमिंग आप इसमें आराम से कर सकते हो। बैटरी की अगर बात करें दोस्तों, तो इस फोन में 5000 एमएच की बैटरी आपको देखने को मिल ही जाती है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है दोस्तों, जो चार्जर बॉक्स में मिलता है दोस्तों वो सिर्फ 10 वाट का आपको देखने को मिलता है, बल्कि मोबाइल जो है वो 18 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। इसका मतलब कि आपको अगर आपका मोबाइल जल्दी चार्ज करना होगा तो आपको अलग से 18 वाट का शाओमी का चार्जर परचेस करना पड़ेगा। तो यही थे आज के 4 फोन जो कि 12,000 के अंदर आप परचेस कर सकते हो आपके हिसाब से। अब आप इसमें से देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा ठीक रहेगा। आपको अगर मल्टीमीडिया का फोन चाहिए दोस्तों, तो बेशक आप इन्फिनिक्स नोट 7 के साथ जा सकते हो। और एक फोन इसमें इंक्लूड करना था दोस्तों, लेकिन वो लॉन्च नहीं हुआ है, वो है रियलमी का 7i। वो जल्दी लॉन्च हो जाएगा दोस्तों, उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ऐसे अच्छी वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।